हेलो एवरीवन, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चंस किए थे। उसी क्रम को जारी रखते हुए अब मैं अगले आपको दो क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, जिसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन है कोस ए अपॉन वन अपन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू टू कोस ए, कि हमें इस एल एच एस को इस आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है। तो हमारा एल एच एस क्या है, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए मैंने बताया कि इस एक्सरसाइज में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब इसको हमें आगे हल करना है, आगे सोल्व करना है। इसकी मैंने पिछले क्लास में भी आपको ट्रिक बताई थी, इसमें बता रहा हूं कि एलसीएम को डेनोमिनेटर से डिवाइड करो, देन आफ्टर जो आंसर आए उसको न्यूमरेटर ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाले पद से गुणा कर दो। तो हमारा एलसीएम देखो यहाँ आया वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ये रहा। इसको हमने डिवाइड किससे करना है, इस डेनोमिनेटर से, ऊपर वाले पद के डेनोमिनेटर से, पहले पद के डेनोमिनेटर से, जो कि वन प्लस साइन ए, दोनों आपस में कट गया तो क्या बच गया हमारा, कोस ए। अब इस कोस ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर क्या है, कोस ए। जब कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर ए, आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर आया कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर ए। अगला पद वही प्रोसेस, पहले एलसीएम लिखा, ये रहा एलसीएम, डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर, इस कोस ए से डिवाइड कर दिया, ये रहा कोस ए से। इस बार कोस ए से कोस ए कट गया तो क्या बच गया, वन प्लस साइन ए। वन प्लस साइन ए को न्यूमरेटर वन प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना है, तो वन प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कई बच्चे एलसीएम लेके प्लस माइनस करने में उलझ जाते हैं, उन बच्चों के लिए ये प्रोसेस, ये फॉर्मूला बनाया गया। अब देखो कोस स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे जो हमने नाइन्थ क्लास में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ए क्या है, वन, वन का स्क्वायर वन, बी स्क्वायर क्या है, साइन ए, साइन ए का स्क्वायर कर दिया, टू ए बी, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, टू इंटू वन इंटू साइन ए, टू साइन ए। अब हमें कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को पास पास लिखना है, वन को एज इट इज लिख दिया, टू साइन ए को एज इट इज। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन होता है, तो इस पूरे पद की जगह हम वन लिख देंगे, ये वन लिख दिया, ये वन एज इट इज, ये टू साइन ए, वन प्लस वन टू और ये टू साइन ए। डेनोमिनेटर हमारा सेम चल रहा है अभी तक, उसको हम नहीं छेड़ेंगे, तो टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए इसमें टू कॉमन आ रहा है, इसमें से टू कॉमन ले लेंगे पूरा का पूरा तो वन बच जाएगा, टू बाहर निकाल लिया तो साइन ए अपॉन आ गया वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आप देख सकते हो कि ये टर्म, ब्रैकेट वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कट जाएगी। बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं कि प्लस साइन होने के बावजूद भी काट देते हैं, नहीं, ये केवल तभी कटेगा जब उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो या हम कह सकते हैं कि ब्रैकेट लगाओ। तो ये देखो ये टर्म वन प्लस साइन ए कोस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, कि बीच में यहाँ पे बीच में साइन है लेकिन ये पूरी की पूरी एक टर्म है वन प्लस साइन ए, तो ये पूरी की पूरी एक टर्म आपस में देख सकते हैं कट गई, तो ऊपर बच गया टू और नीचे बच गया सिर्फ कोस ए। टू को टू लिखा और कोस ए को लिखा मैंने वन अपॉन कोस ए, और टू और वन अपॉन कोस ए हमें पता है सेके होता है, तो हमारा जो आर एच एस दे रखा है टू सेके, यहाँ पे भी आ गया टू इंटू सेके, जो हमारा आर एच एस के इक्वल हो गया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब अगला हम क्वेश्चन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ये हमारा वन प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल टू साइन स्क्वायर ए वन माइनस कोस ए। इस क्वेश्चन में आपको एल एच एस और आर एच एस दोनों को सोल्व करना है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि एल एच एस को सोल्व करते हैं तो सीधा हमारा आंसर आर एच एस के इक्वल आ जाता है, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें दोनों टर्म को, एल एच एस और आर एच एस को, दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में। तो हमने एल एच एस ले लिया वन प्लस सेके अपॉन सेके, ये हमारा एल एच एस है। अब हम इसमें सेके की वैल्यू पुट करेंगे, सेके का फॉर्मूला क्या होता है सभी को आपको याद है, सेके बराबर वन अपॉन कोस ए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। सेके का मान रखेंगे वन अपॉन कोस ए, सेके वन प्लस सेके मतलब वन अपॉन कोस ए, सेके का वन अपॉन कोस ए। अब इसमें फिर एलसीएम आ गया,
और यहाँ पे फिर देखो वन लिखा हुआ है। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वन लिखा हुआ हो तो एलसीएम जो लिया जाएगा उसको वन से मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इस वन को इस एलसीएम से कॉस ए से मल्टीप्लाई किया, वन एज इट इज लिखेंगे और अपॉन में कॉस ए लिख देंगे, तो क्या बनेगा कॉस ए प्लस वन अपॉन कॉस ए, और ये हमारा वन अपॉन कॉस ए है। फिर वही बात आ गई कि चार संख्या अपॉन में लिखी हुई है, बट्टा में लिखी हुई है, तो हमारा रूल है फर्स्ट इंटू फोर्थ एंड सेकेंड इंटू थर्ड। फर्स्ट हमारा कॉस ए प्लस वन, फोर्थ हमारा कॉस ए, सेकेंड है कॉस ए, फोर्थ थर्ड है वन, तो वन प्लस कॉस ए फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमारा आंसर आ गया वन प्लस कॉस ए। ये मान आया हमारा एलएचएस का। अब हम आरएचएस का पद लेते हैं। आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस कॉस ए, ये रहा साइन स्क्वायर ए। अब हम देखिए कि साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसमें ये लगा देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और डेनोमिनेटर हमारा सेम है। अब इसमें हम फिर आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। वही बात कि अगर डबल पावर हो तो पावर को आधा कर दो, उन पदों को दो बार लिखना है पावर आधी आधी करके, बीच में एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह वन और बी की जगह कोस, वन माइनस कोस ए और वन प्लस कोस ए, एक बार मैंने माइनस का निशान लगा दिया, एक बार प्लस का लगा दिया, तो अब आप देख सकते हैं ये पद इससे कट हो गया, तो हमारा ऊपर का पद क्या बचा वन प्लस कोस ए, जो कि हमारा आर एच एस और एल एच एस दोनों के बराबर है। एल एच एस का मान आया वन प्लस कोस ए, आर एच एस का भी मान आया वन प्लस कोस ए, तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया एल एच एस प्लस आर एच एस। इस तरह से हमारे आज ये चार क्वेश्चन हुए। आप इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करें जिससे कि आपकी गलती नहीं होगी, परीक्षा में थोड़ी सी दिमाग में बर्डन रहती है, टेंशन रहती है, टाइम की शॉर्टेज की रहती है दिमाग में, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो इससे हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का साबित होगा इस एक्सरसाइज में, और भी एक्सरसाइज में ये काम आएगा, जैसे कि हमारी 8.3 है उसमें भी मान रखकर हम रूट में तीन रूट में दो यूज करते हैं, उसमें भी ये फॉर्मूला बहुत सटीक काम आएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, जो एलसीएम हमने लिया उसमें डिनोमिनेटर का डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ टर्म कट जाएगी, जो आंसर बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मतलब डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा होता है, एन का मतलब न्यूमरेटर जो ऊपर लिखा हुआ है, जो आंसर बचेगा और उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो टर्म आएगी वो हम सीधी की सीधी पुट कर देंगे, हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारे आज चार क्वेश्चन हो गए हैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे।